Welcome back guys to the another video of Mission 90%. So in this video we are going to discuss about the chapter 12 endocrine system of ICSE class 10 cell in Econ Science Biology. ठीक है, मुंह सूख गया। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि पहले तो आपको हॉर्मोन्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और पहले नर्वस सिस्टम होता है उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, ले लिया, वेल एंड गुड। सो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी ब्राइटनेस बता देते हैं। तो यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल के आपको डिफरेंस पता करने होंगे कि कैसे होता है, और एक्सेस ऑफ हार्मोन्स को क्या कहते हैं और लैक ऑफ हार्मोन्स को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो अंडरलाइन है आपको वही पढ़ लेने हैं, बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको यहाँ पर चार दिए हुए हैं और यहाँ पर चैप्टर बहुत उलझा रहा होगा आपको, तो आपको क्या करना है, इन चारों के आपको डेफिनेशन कर लेनी है पहले, फंक्शंस और लोकेशन। ये तीन चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और इनमें हॉर्मोन्स कौन से होते हैं चारों में, ये भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है एक बॉक्स, ये दिया हुआ है एक टेबल, बहुत बड़ा टेबल। ठीक है, ये रहा एक टेबल, अगर आप इस टेबल को अच्छे से कर लेते हो तो आपकी ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल और ये टेबल, इस टेबल को आपको समझना होगा, ये आपको याद करना होगा, इन दोनों टेबल को करने बाद आपका चैप्टर कंप्लीट यार। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव, तो कट हो गया ना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कट हो गया, हमने सारा कर लिया है। हाँ जी, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कट हो गया है, सो बस सिलेबस कंप्लीट है हमारा। अगर आप चाहते हो कि हम इन चैप्टर्स पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को तो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो यार जल्दी कर दो, क्यों हिचकिचाते हो। हमने सारी केमिस्ट्री डाल दी, बायोलॉजी कंप्लीटेड, मैथ के फार्मूलाज डाल दिए, अब फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, शेयर करना तो मत ही भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और शेयर तो कर ही देना, एक दोस्त पे कर दो चाहे, लेकिन करना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।